गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आई एम रिद्धिमा मिस, योर SST टीचर। आज हम लोग चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर हमने बना दिया था पहले वाले वीडियो में, आपको क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिया था। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, तो इसमें टोटल 2 ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट एंड सेकेंड है आपका गेस माई नेम। गेस माई नेम को 1 वर्ड आंसर के रूप में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग, बुक अगर आपके पास है तो बुक में आप टिक करते जाइए, अगर बुक नहीं है तो आप इसको कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट क्वेश्चन है द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड। अर्थ के ऊपर जो एयर का लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अ बुक ऑफ मैप। मैप का जो पूरा बुक होता है उसको क्या बोलते हैं, जिसमें सारे टाइप के मैप्स कलेक्टेड होते हैं, फिजिकल पॉलिटिकल ये सारे, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोब, सेकंड है एटलास, थर्ड है मैप। इसमें एक और ऑप्शन है वो मैंने नहीं लिखा है, बस 3 ही ऑप्शन दे रही हूँ। तो इसमें आप एटलास पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ का कितना हिस्सा जो है वाटर से कवर्ड होता है? फर्स्ट ऑप्शन हाफ, सेकेंड 1/3, थर्ड ऑप्शन 2/3 एंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन है 3/4। तो 3/4 पर टिक लगा दीजिएगा, 3/4 पार्ट जो है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन। तो सबसे लार्जेस्ट और सबसे डीपेस्ट ओशियन कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्कटिक, सेकेंड है पैसिफिक, थर्ड है अंटार्कटिक एंड फोर्थ है साउदर्न। तो हम जानते हैं कि पैसिफिक ओशियन जो है सबसे लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन होता है। चलिए तो टिक द करेक्ट ऑप्शन तो हो गया, अब सेकेंड क्वेश्चन हम बनाते हैं। सेकेंड है आपका गेस माई नेम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आई एम एट द टॉप फ्लैट एंड ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सबसे अपर पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर आप लिखिएगा नॉर्थ पोल, NORTH नॉर्थ, POLE पोल, नॉर्थ पोल। सेकेंड है आई एम अ मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का मॉडल जो है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं, ग्लोब लिख लीजिएगा। थर्ड है आई एम द कंट्री आफ्टर होम एन ओशियन इज नेम। वो किस कंट्री के नेम पर एक ओशियन का नेम रखा गया है? आंसर तो इसका पता ही होगा आप लोगों को। टोटल 5 ओशियन है, तो उसमें एक इंडियन ओशियन भी आता है और इंडियन ओशियन का नेम जो है इंडिया के नेम पर रखा गया है, ठीक है। तो इसमें आप इंडिया लिख दीजिएगा। उसके बाद है आई एम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके बाद आता है आई हैव अ सॉल्टी वाटर। किसका वाटर सॉल्टी होता है? सॉल्टी मतलब खारा पानी, मतलब थोड़ा नमकीन टेस्ट का। तो सीज का वाटर, समुद्र का पानी, SEAS सीज, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका नॉर्थ पोल, सेकंड है ग्लोब, थर्ड है इंडिया, उसके बाद है एशिया, उसके बाद है सीज, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर भी आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 का आपका सारा कुछ हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट हो गया। अब आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर अपने बुक में अच्छे राइटिंग में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रिवीजन करवाऊंगी इसके चैप्टर का, उसके बाद इसका टेस्ट भी होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो जो भी लिखा है आपने अपनी कॉपी में उसको अच्छे से लर्न भी करते जाइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।